जय श्री राम। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राधे। हम लोग आज बात करेंगे कुछ हमारे ऐसे विषय जो आज देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे देश के अंदर अनेक भयंकर ऐसी कुर्तियाँ आ चुकी हैं, ऐसे कुछ साधक हैं जिनके कारण आज संत समाज गिरने लगा है। वो लोग जिन लोगों ने कुछ गलत कार्य किए, उन गलत कार्यों की वजह से आज वो लोग अपनी अपनी सजा भुगत रहे हैं। मैं आज उस टॉपिक पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आप सभी देशवासियों के साथ। संत क्या है, संत की परिभाषा क्या है, पहले ये जान लेते हैं। हमारे देश के अंदर हमारे 13 अखाड़े पूरे भारतवर्ष में हैं और इन 13 अखाड़ों में हमारे संत आते हैं, हमारे महापुरुष आते हैं, हमारे तपस्वी आते हैं। और उन संतों की महिमा का गुणगान बिल्कुल अलग है। आज देश के अंदर जितने भी ये दुराचारी पकड़े गए हैं, वो लोग किसी भी अखाड़े से नहीं थे। हमारे 13 अखाड़े संतों के, इन अखाड़ों से वो लोग नहीं थे। सबने अपने अपने धर्म बनाए हुए थे, सबने अपने अपने पंथ बनाए हुए थे, अपने अपने पंथों में रहकर अपनी मन मर्जी से वो कार्य करते थे। और हमारी जनता जो बड़ी भोली है आज के समय, वो सोच विचार ना करते हुए, उनकी गलती नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है कि संत क्या होते हैं। उन्होंने देखा कि जिसने वस्त्र डाल लिए संतों वाले, वही संत हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। संस्कार किया जाता है, हमारे 16 संस्कार हमारे जीवन में बताए गए हैं। 10वां संस्कार हमारा, 12वां संस्कार हमारा और 14वां संस्कार हमारा, ये 3 संस्कार हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन संस्कारों के बाद हम संत की उस परिभाषा के अंदर जाते हैं और संत बनने के लिए अनेक परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। एग्जाम देने वाली परीक्षा नहीं, संतों की परीक्षा। आज्ञाकारी शिष्य बनना पड़ता है। आज्ञाकारी शिष्य बनकर गुरु की सेवा करनी पड़ती है और उस आश्रम के नियम को निभाना पड़ता है। उस आश्रम की छत्र छाया में रहकर, उसके अनुसंधान में रहकर उन नियमों का पालन करना पड़ता है और जीवन का हर एक मिनट आश्रम के नियम अनुसार चलता है। आज हरियाणा से लेकर पंजाब, पूरे भारतवर्ष की बात करूंगा, जहां जहां भी दुराचारी पकड़े गए हैं संत के भेष में, उनकी वजह से आज संतों पर भी उंगली उठनी प्रारंभ हो गई। अगर आज एक संत जो अखाड़े से है, अगर ऐसा कार्य करता कोई, तो उसे वो अखाड़े निलंबित कर देते, उसकी पदवी को भी, उसके अखाड़े से भी उसको निकाल, उसके आश्रम से भी उसको निकाल देते। लेकिन इन संतों के, जो संत के रूप में राक्षस थे, जिन्होंने ऐसे कार्य किए, वो लोग जो आज सजा काट रहे हैं, उस परमात्मा के साथ छेड़खानी की, स्वयं परमात्मा बनकर बैठ गए, जैसे हिरण्यकश्यप स्वयं परमात्मा का रूप बनकर बैठ गया था, अपनी पूजा करवाने लगा था। उसको ये घमंड हो गया था कि मैं ही स्वयं भगवान हूँ और मेरे ही कारण ये सृष्टि चल रही है। रावण को घमंड हो गया था अपने ज्ञान का,
अपने वैभव का, अपने बल का, तो उसका भी अंत हुआ, हिरण्यकश्यप का भी अंत हुआ, हिरणाक्ष का भी अंत हुआ, कंस का भी अंत हुआ, इसी प्रकार उन दुराचारियों का भी अंत हुआ। इतना वैभव शौर्य पाकर वो लोग भी आज अंत की तरफ हैं। आज कहा जाता है कि किसी भी संत को देखा जाता है तो कहा जाता है कि ये भी ऐसा ही होगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आज से उस साल पहले दिल्ली के अंदर आरुषि हत्याकांड हुआ था, क्या हर माँ बाप ये सोच ले कि हमारी बेटी भी ऐसी होगी? अगर एक बेटी गलत हो गई तो सारी बेटियां गलत हो गई क्या? कुछ दिन पहले बिहार में एक बेटे ने 10,000 के लिए अपने पिता का रात को गला काट दिया। क्या सभी माँ बाप ये सोच लें कि हमारा बेटा भी ऐसा होगा, हमें भी मार देगा? और चलो छोड़ो, आगे की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में 4-5 लड़कों ने एक लड़की के साथ अश्लील हरकत की, उसे उसके साथ गलत काम किया, फिर उसे जिंदा जला दिया। क्या आज पूरे देश के लड़कों को ये समझ लें जो नौजवान पढ़ते हैं कि वो लड़के भी रेपिस्ट होंगे, रेप करने वाले होंगे? ऐसा नहीं है। अगर कुछ चंद संत का चोला डालकर गलत कार्य कर चुके हैं तो सारे संत एक जैसे नहीं होते। और इन संतों की कृपा से ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। भागवत में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मैं हर बार रूप लेकर नीचे पृथ्वी पर नहीं आ सकता, मेरे रूप में संत जो हैं वो पृथ्वी पर आएंगे और वो पृथ्वी का मार्गदर्शन करेंगे, समाज का मार्गदर्शन करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, समाज के दुख को दूर करेंगे। मैं ही स्वयं संत हूँ, मैं ही स्वयं ईश्वर हूँ, मैं ही स्वयं पृथ्वी हूँ, मैं ही स्वयं आकाश हूँ, मैं ही स्वयं गंगा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसका वर्णन किया। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिए, हर व्यक्ति गलत नहीं होता है। अगर उन 2-4 दुराचारियों के कारण संत समाज गलत हो सकता है तो उन लड़कों के कारण जिन्होंने रेप किया है तो सारे देश के जो जवान, जितने नौजवान हैं वो भी गलत हैं। हर वो बेटी गलत है जो गलत काम करती है, देश की बेटियां भी गलत हैं, बहुएं भी गलत हैं। ऐसा नहीं होता। 2-4 व्यक्तियों के गलत कार्य करने से संत समाज पर उंगली उठाना बहुत गलत है। ये संदेश मैं उन लोगों को दे रहा हूं जो लोग ऐसी सोच रखते हैं। देश में ऐसे लोग भी हैं जो संतों को इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं और हमें मिलते भी हैं, हमारी साथ उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, जैसे वो सामने भगवान की मूर्त को देखकर प्रणाम करते हैं, भाव रखते हैं, वैसे संतों को देखकर भी भाव रखते हैं। लेकिन ये सरासर गलत हैं। हमारे देश की आज सनातन को बचाने वाले, आज संस्कृति को बचाने वाले, आज आपकी भागवत को बचाने वाले, आपकी रामायण को बचाने वाले संत हैं। और आप तक इन चीज़ों को पहुंचाने वाले, इनका बखान करने वाले, बड़ी सरल भाषा में आपको समझाने वाले केवल वो संत हैं। वो संत हैं, वो संत नहीं जो आज सजा काट रहे। वो किसी पंथ से नहीं थे, किसी अखाड़े से नहीं थे, अपने उनकी दुकानदारी थी, अपना उनका पंथ था, अपना उनका धर्म था, अपने हिसाब से अपने आश्रम को चलाते थे, किसी साधु समाज की अध्यक्षता नहीं करते थे, किसी अखाड़े में जाकर किसी शाही कुंभ स्नान वो नहीं करते थे। अभी 2021 में कुंभ आ रहा है, अभी पहले इलाहाबाद में कुंभ आया, उससे पहले 16 में उज्जैन में कुंभ आया, 2010 में हरिद्वार में कुंभ आया था। आप किसी भी कुंभ को उठाकर ले लीजिए, कभी भी आज तक इन लोगों ने शाही स्नान नहीं किया। और जो अखाड़े होते हैं, जो संत होते हैं, वो शाही स्नान करते हैं, वो कुंभ के मेले में रहते हैं। बहुत से लोगों को इन बातों का पता नहीं होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा प्रकाश उन लोगों के लिए डाला है जिनको इस बारे में पता नहीं है। आप अच्छे रास्ते पर जाइए, अच्छे संत का चयन कीजिए, अच्छे संत की खोज कीजिए जो आपको आपका मार्गदर्शन दे सकता है। दिखावे पर मत जाइए।
आजकल हम दिखावे पे ज़्यादा मरते हैं, जहाँ हमारी अच्छी सेवा होती है, अच्छी हमें फैसिलिटी दी जाती है, उसी आश्रम से हम जुड़ जाते हैं। आपको ये नहीं पता ये आश्रम है या कोई साधु किसी अखाड़े से है, किसी परंपरा से है, नहीं है, कुछ हमें नहीं पता। हम संतों का जब संत बनते हैं तो घर परिवार से संस्कार किया जाता है, परिवार से दूर किया जाता है, जीवन मरण परिवार के साथ कुछ संबंध नहीं होता है। लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग संत का चोला डाल रखा था, सब अपने परिवार के साथ थे, परिवार के साथ रहते थे, एंजॉय करते थे, आनंद लेते थे, लेकिन लोग उन्हीं का मत्था टेकते थे। हम उन लोगों को नहीं कहते, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, वो मत्था टेकते रहें, लेकिन किसी और पर उंगली ना उठाएं, किसी और पर कीचड़ ना उछालें, और उसी भाव से देखें जिस भाव से आप परमात्मा को देखते हैं। संतों को भी उस भाव से देखें। अगर संतों को आप उस भाव से नहीं देखेंगे तो आपका भला कभी नहीं हो सकता, और ऐसे ही पृथ्वी पर प्रलय आती रहेगी, ऐसे ही पृथ्वी पर बीमारियां आती रहेंगी, अगर आप संतों का निरादर करेंगे तो। बस इतनी सी बात आप तक पहुंचानी थी कि आप संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। संत जहां भी मिले आप उनसे आशीर्वाद लें, उनका सानिध्य प्राप्त करें। और एक छोटी सी विशेष सूचना और दूंगा कि आप जब भी कोई रामायण भागवत गीता कराना चाहें तो संतों के मुख से कराएं, किसी आचार्य के मुख से, किसी पैसा लेने वाले के मुख से ना कराएं, क्योंकि संत कभी इनका मोल नहीं लगाते हैं और कथावाचक इन चीज़ों का मोल लगाते हैं। जहां इनका मोल लग गया वो लोग कभी भी आपका भला नहीं कर सकते। संतों के मुख से आप भागवत सुने, संतों के मुख से रामायण सुने, संतों के मुख से गीता सुने, संतों के मुख से दुर्गा सप्तशती पढ़े, संतों के मुख से देवी भागवत का पाठ सुने, तब आपका कल्याण होगा। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है। बस आप इस पर अमल कीजिए, इसे ग्रहण कीजिए, और मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो, किसी भी व्यक्ति को, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।